लोगों को भी अगर कोई बंदा हेल्प मांग रहा है इसराइल के लिए, पैसे मांग रहा है, तो आप लोग ज़रूर एग्रीमेंट बनाना गाइस। बिना एग्रीमेंट का मत आओ यहाँ पे, मत दो पैसे, बाद में वही लोग आपका गांड मारेगा यहाँ पे। अभी मेरा हालत देखो, अभी मैं थोड़ा छाव पे बैठा हूँ, आज 40-45 डिग्री है गाइस यहाँ पे। इतना धूप पे ना मेहनत करना पड़ता है, फोकट का पैसा नहीं देता। मेरा पूरा बदन पूरा पसीना पसीना हो गया। ऐसे धूप में हम लोग को काम करना पड़ता है, एम्प्लॉयर को लेके जाना पड़ता है बाहर अंदर, और 7 to 24 hours काम है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 10-8 घंटे काम हो गया फिर निकल जाओ। यहाँ पे पूरा महीने एम्प्लॉयर के साथ बैठने का है, रहने का है, खाने का है, सोने का है। इतना हार्ड वर्क है ना यहाँ पे, और इतना मेहनत अपने पसीने के कमाई दूसरे के हाथ पे सौंपते हैं हम लोग, और बाद में वही गद्दार निकलेगा ना, दिमाग खराब हो जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय सिया राम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सार 24 ब्लॉग्स गाइस। मैं हूँ समीर राखली राय, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, और फिलहाल मैं हूँ इसराइल में एज ए केयर गिवर जॉब पे। तो दोस्तों, आज का मेरा टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस टॉपिक के मैं किस टॉपिक को लेके आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, आज मैं कंस्ट्रक्शन को लेके बात नहीं करूँगा, आज मैं केयर गिवर के टॉपिक को लेके फिर से बात कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे एक मुद्दा बन गया है, एक तो हाईलाइट टॉपिक चल रहा है केयर गिवर को लेके इसराइल में, तो उसी चीज़ को लेके मैं कुछ अपना विचार आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे साथ देखिए मेरा एम्प्लॉयर रुबेन कोहेन। रुबेन मनीष भाव होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हो चैनल में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों को क्या लगता है आज के वीडियो में, आप लोगों को क्या जानने को मिला, ये सब चीज़ें आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। और कुछ चीज़ें मैं आप लोग साथ दिखाने वाला हूँ। आज है यहाँ पर छुट्टी, चेक करो यहाँ के लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। आवाज आ रहा है, मेरा आवाज भी आप लोगों को बराबर आ भी नहीं रहा होगा, चेक करें। तो अभी ना यहाँ पे धूप जो है ना, अगर मैं गर्मी के टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 है, और यहाँ के लोग सभी लोग इंजॉय कर रहा है समंदर में पानी में डुबकी लगा रहा है। और मैं हूँ एक एज अ केयर गिवर, मेरा हाल देखो गाइस, इतना धूप में अपने बॉस के साथ ऐसे घाम में धूप में घुमाना पड़ता है इनको। और एक तो डिमेंशिया पेशेंट है ना गाइस, इतना इरिटेट रहता ना, जो भी बंदा यहाँ पर डिमेंशिया पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं उनको तो मालूम है, मगर एक साइलेंट डिमेंशिया रहता है, और जिनका अगर बॉस साइलेंट रहता है ना, उसको इतना तकलीफ नहीं, मगर मेरा ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो से यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, जो भी दोस्त लोग इसराइल आना चाहते हैं केयर गिवर में, केयर गिवर का खर्चा सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कितना ज़्यादा खर्च है ना, 25-20 lakh खर्च, इतना ज़्यादा खर्च है। तो हाय सब चलो, तो अगर आप लोगों के पास उतना पैसा है तो बहुत बढ़िया बात है ना, अपने खुद के पैसे से आप लोग आ सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है नहीं ये बहुत ज़्यादा चार्जेस है, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आ पाऊँगा, वो भी आपका चॉइस है। तो उससे भी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे मेरा सब्सक्राइबर भी है, बहुत सारे लोगों को मैंने सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो, आप लोगों को सपोर्ट कोई कर रहा है दोस्त, तो उसका जो उन्होंने जो आप लोगों के ऊपर जो सपोर्ट किया है उसको कभी मत भूलना गाइस, उस दिन को मत भूलिए। तो इसराइल पे अभी क्या हो गया है ना, इसराइल सब लोग आना चाहते हैं मगर सभी के पास पैसे नहीं है,
और ज़्यादा करके यहाँ पे एजेंट की, कोई कोई एजेंट फेक है, कोई कोई अच्छा भी काम कर रहा है, कोई स्कैमर है यहाँ पे, ये सब चीज़ें आप लोगों को तो मैं बता ही चुका हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इज़राइल आना चाहते हो तो आपके पास पैसे नहीं है, किसी के थ्रू से आप लोग बोरो ले रहे हो, है ना, किसी को बोल रहे हो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, इतना सपोर्ट कर दे मेरे को, तो ब्याज में पैसे ले रहे हो आप लोग सबसे पहले। तो देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि मैं करके देता हूँ किसी को भी, अगर मेरे से वो पॉसिबल हुआ तो। और पैसे देने वाला कोई बंदा रहेगा ना इंटरेस्ट में, तो मैं एक एग्रीमेंट के थ्रू ही पैसे देने और लेने का काम करवा देता हूँ, मैं एजेंट काम नहीं करता हूँ गाइस, आप लोगों को मालूम है। तो आप लोगों के साथ यही मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए, इज़राइल आ रहे हो, 10 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट है, आप दोनों बीच, देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बनाओ। बिना एग्रीमेंट के किसी को भी 1 रुपये मत दो गाइस। बहुत सारे धोखेबाज दोस्त लोग होते हैं जो इज़राइल आने के बाद अपना रंग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आने से पहले रो रो के बोला हाल, प्लीज़ मेरे दोस्त प्लीज़ मदद कर दे, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तेरे को सपोर्ट करेगा, मैं पैसे टाइम पे रिटर्न करेगा, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कर, पैसे दे, अभी 5 लाख सिर्फ 5 लाख का ही बात है, मैं आने के बाद तेरा वो पाई पाई चुकता कर दूँगा। बाद में इधर आने के बाद कोई कोई इतना हरामी दोस्त लोग रहता है ना, पैसे देने के बाद तो छोड़ो गाइस, उल्टा केस और मुकदमा चलाने की बात करते हैं, प्रूफ मांगते हैं, कब दिया तूने पैसे, तूने मेरे को पैसे नहीं दिया। ये सब कांड यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, आप लोग ये गलती मत करना, चाहे अपने आदमी हो या फिर पराए हो, आप लोग थ्रू एग्रीमेंट प्रूफ रख के आप लोग पैसे देने और लेने के काम करें, नहीं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है गाइस। बहुत सारे ऐसा घटिया लोग हैं जो पैसे लेके और ऊपर से बिना इंटरेस्ट के पैसे भी ले रहा है, और ऊपर से रिटर्न भी नहीं कर रहा है, और ऊपर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गाइस, और बदनाम कर रहा है खुद को और दूसरे को भी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रहा है इज़राइल में। अगर आप लोग इज़राइल के लिए सोच रहे हो, आप लोग कोई बंदा आप लोग हेल्प कर रहा है, आप लोग आपका दोस्त हेल्प कर रहा है, तो आप लोग भी ईमानदार रहिए, ईमानदारी से उसका पैसे रिटर्न कीजिए। हे हाँ, यहाँ पे काम बहुत टफ है, अभी मैं वही बात भी आप लोगों को बता रहा, आने जाने में तकलीफ़ है, पैसा ज़्यादा खर्च है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर काम देखना गाइस। अभी 40 डिग्री का धूप पे मेरा हालत देखो, मैं अपना एम्प्लॉयर के साथ बाहर घूम रहा हूँ, आज सैटरडे तो मेरा ओटी है, तो मेरे को ये काम करना पड़ता है। इतना ईजी नहीं है गाइस, यहाँ पे ना आसमान से पैसे नहीं बरसते, यहाँ पे पैसा कमाना पड़ता है। और जब भी मैं इतना मेहनत करके मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, तो मैं फोकट का पैसे दूसरे को नहीं दे रहा हूँ, फोकट का होता तो देता, मगर मेरा पसीने का कमाई है, मैं वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर मैंने किसी को ईमानदारी से हेल्प किया, दिल से हेल्प किया है, तो वो भी मेरे साथ लॉयल रहे, ईमानदारी से मेरा पैसा रिटर्न करे। तो जॉर्ज बिनी ने मेरे साथ पंगा लिया है, मैं उसका पूरा अभी आने वाले वक्त में देखना, उसका फैमिली का मैं पूरा एक्सपोज करूँगा, इससे क्या होगा, पैसे चला गया कोई दिक्कत नहीं, मगर उसका आने वाला जो बच्चे है ना, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो कोई बंदा का पैसे दे रहा है आपको ना, तो प्लीज़ यार, इंसानियत के नाते आप लोग पैसे रिटर्न करो सही टाइम पे। अगर सही टाइम पे आप लोग रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको प्यार से बोलो, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ गाइस, यहाँ का काम के बारे में मालूम है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है, ये परमानेंट जॉब नहीं है केयरगिवर का। इधर आने के बाद मैंने इतने सालों में कईयों एम्प्लॉयर को छोड़ के मेरे को दूसरा एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ा, ये यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। इधर इंडिया से जब आप लोग आते हो ना, आने के बाद आपको फिक्स परमानेंट जॉब नहीं लगेगा, आने के बाद इतना हार्ड और टफ रहता है, आप लोग कभी कभार क्या आता है, इज़राइल आने के बाद काम जब ज्वाइन करोगे ना, विद इन 2 डेज आप लोग को वो काम चेंज करना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन भी है यहाँ पे।
रो रो के बहुत बुरा हाल है। जो भी लोग पहले से नए नए लोग आए हैं उन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। अभी मेरा तो आदत हो गया, मजबूरी भी है और थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में मैं सीख चुका हूँ, तो थोड़ा इसलिए मेरे को आसान लगता है। जो भी ये गद्दार लोग हैं ना, जिसके ऊपर भरोसा करके पैसे देते हैं हम लोग, और वही बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, ये बहुत ही, इससे क्या होगा, हम लोग किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे को सपोर्ट मांग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मगर मेरे को प्रूफ चाहिए। अगर आप लोग को इंटरेस्ट में ब्याज में पैसा मांग रहे हो तो बाद में आप लोग कंप्लेन भी मत करो। अभी आप लोग बोलोगे पाँच रुपया सूद या फिर 6 रुपया या फिर 10 रुपये, अगर आप लोग आगे से डन कर रहे हो ओके मैं रेडी हूँ, आप मेरे को 5% पे पैसे दे रहे हो मैं लेने के लिए रेडी हूँ, अगर आपने बोल दिया है आप एग्रीमेंट करोगे तो बाद में आप लोग का कोई हक नहीं बनता, आप लोग कंप्लेन भी करो। इधर आके यहाँ के NGO को, किसी एजेंसी को या फिर किसी, होता है ना कोई अच्छा काम करने वाला बंदे का नाम खराब मत करो, उन लोग को कंप्लेन करके उनका तो बदनाम होगा आपका भी बदनाम हो रहा है। क्या है ये सब चीज़ें, यहाँ पे इसराइल में ये सब हो रहा है गाइस। तो प्लीज़ जो भी लोग है, आप लोग केयर गिवर के लिए आ रहे हो, आप लोग पास पैसे नहीं है, तो अगर आप लोगों को दूसरा दोस्त से मदद भी मिल रहा है, दोस्तों से अगर आप लोगों को मदद भी मिल रहा है ना, तो उसका जो मदद एहसान है ना, कभी मत भूलना गाइस, कभी मत भूलना। अभी इसराइल भी यही चल रहा है, बहुत सारे लोग क्रेडिट पे आ रहा है, इधर आने के बाद वो उसका जो उसने जो हेल्प किया ना वो भूल जाता है इसराइल आने के बाद, और अकड़ दिखाना चालू करता है और दूसरे के ऊपर जाके जिन्होंने पैसे दिया, जिनका नमक खाया ना, वो नमक हराम हो रहा है इधर आने के बाद। वही आदमी, अगर आप लोग आ रहे हो तो फिर से बोलना चाहूँगा, एग्रीमेंट बनाओ, सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट बनाओ। अगर छोटा या बड़ा जो भी अमाउंट इसराइल के लिए, इसराइल आने वाले कैंडिडेट को आप लोग दे रहे हो ना, एग्रीमेंट थ्रू एग्रीमेंट आओ, आप लोग आने वाले भी और देने वाले भी थ्रू एग्रीमेंट बनाओ। एग्रीमेंट बनाने से दोनों साइड सेफ रहता है, कोई बाद में आपको कंप्लेन नहीं कर पाएगा। मगर बहुत सारे अच्छे लोग भी है बिना एग्रीमेंट के भी आए हैं, वो लोग अच्छे आदमी है और उन लोगों ने सही टाइम पे रिटर्न भी किया हुआ है। मगर मैं अपना सेफ्टी देखते हुए मैं कभी ये सब गलत काम नहीं करूँगा, बिना एग्रीमेंट का मैं गलती नहीं करूँगा। अभी आप लोग भी, आप लोगों को भी अगर कोई बंदा हेल्प मांग रहा है इसराइल के लिए, पैसे मांग रहा है, तो आप लोग ज़रूर एग्रीमेंट बनाना गाइस, बिना एग्रीमेंट का मत आओ यहाँ पे, मत दो पैसे, बाद में वही लोग आपका गांड मारेगा यहाँ पे। अभी मेरा हालत देखो, अभी मैं थोड़ा छाव पे बैठा हूँ, आज 40-45 डिग्री है गाइस यहाँ पे, इतना धूप पे ना मेहनत करना पड़ता है, फोकट का पैसा नहीं देता, मेरा पूरा बदन पूरा पसीना पसीना हो गया। ऐसे धूप में हम लोग को काम करना पड़ता है, एम्प्लॉयर को लेके जाना पड़ता है बाहर अंदर, और 7 to 24 hours काम है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 10-8 घंटे काम हो गया फिर निकल जाओ, यहाँ पे पूरा महीने एम्प्लॉयर के साथ बैठने का है, रहने का है, खाने का है, सोने का है, इतना हार्ड वर्क है ना यहाँ पे, और इतना मेहनत अपने पसीने के कमाई दूसरे के हाथ पे सौंपते हैं हम लोग, और बाद में वही गद्दार निकलेगा ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, सीधा ठोकने का दिल करता है गाइस। अगर आप लोग इस सब चीज़ें ऐसे स्कैमर से बचना चाहते हो तो आप लोग एग्रीमेंट के थ्रू ही पैसे दो। यही वीडियो मैं आज के दिन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा। आने वाले वक्त में और ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता। मिलेंगे गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी कंप्लेन है तो लिखो, किस किस को आप लोगों ने पैसे दिए हो, कौन कौन किस किस ने आपका पैसे रिटर्न नहीं किया। अगर आप लोगों को मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ, मगर मैं वैसे मदद नहीं करूँगा, मेरे को भी प्रूफ चाहिए। अगर आप लोगों के पास प्रूफ है, पुख्ता सबूत है, तो ही हम लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास प्रूफ नहीं है,
आगे से धमका रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है भाई। प्रूफ ही नहीं तो कैसे पैसे देगा? आप लोग प्रूफ के बिना पैसे मत दीजिए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून।